अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एम एस एन मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल। डीवन के आप लोग जानते हैं कि प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम लोग थॉमस कैलकुलस के एक्सरसाइज 3.9 की बात कर रहे हैं, उसके अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 तक सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप लोग उन लेक्चर्स का लिंक देखना चाहते हैं तो उनका लिंक मिलेगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में, और यहाँ पे आई बटन पर जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। अगर मैं आज के लेक्चर की बात करूँ तो आज के लेक्चर में हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है डिफरेंशियल एस्टीमेट ऑफ चेंज। इसके अंदर हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 35, 36, 37, 38, 39, 40 की बात करेंगे। कंप्लीट सॉल्व करूंगा, सिंपल और इजी शॉर्ट से छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। आपने वीडियो को आखिर तक देखना, उससे पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू है अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को प्रेस कर लेते, नेक्स्ट टाइम जब भी वीडियो देखता हूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए जी, बात करते हैं इसमें बेसिकली उसने हमें दिया होगा इन एक्सरसाइज 35 से लेके 40 तक, राइट अ डिफरेंशियल फार्मूला दैट एस्टीमेट्स द गिवन चेंज इन वॉल्यूम और सरफेस एरिया। जो हमें उसने क्वेश्चन दिए उसने हमें सरफेस एरिया और वॉल्यूम के फार्मूलाज वगैरह दिए हुए हैं, कहता है उसके अंदर आप लोगों ने जाना वो चेंज फाइंड आउट करना है। तो किसकी रिस्पेक्ट से करना है वो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको उसकी समझ आ जाएगी, क्वेश्चन जो उसने पूछा होगा। लेट्स सपोज हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं, उसमें हमें उसने वॉल्यूम दिया, वॉल्यूम कहता है जी v इज इक्वल टू 4/3 πr³। द चेंज इन द वॉल्यूम v इज इक्वल टू 4/3 πr³ ऑफ अ स्फीयर व्हेन द रेडियस चेंजेस फ्रॉम r नॉट टू r नॉट प्लस dr। ठीक है, रेडियस जनाब उसमें चेंज आ रहा है, किस कौन सा चेंज आ रहा है, आर नॉट प्लस डी आर का चेंज आ रहा है। इस फॉर्म में हमने जो है उसका डेरिवेटिव निकाला है, डिफरेंशियल लेना है तो सिंपल है, इजी है। हम लोग इसका लिखते हैं क्वेश्चन 35 की बात करते हैं। 35 में बेसिकली उसने हमें दिया हुआ वॉल्यूम विच इज इक्वल टू 4/3 πr³ उसने हमें दिया हुआ है। तो कहता है जी यहाँ पे आप लोगों ने जो है इसके रेडियस में यानी कि आर में चेंज फाइंड करना है। तो फाइंड आउट कर लेते हैं हम लोग, क्या करेंगे, कैसे इसका चेंज फाइंड करते हैं, और विच डिफरेंशियल हम लोग यहाँ पे लेंगे, डिफरेंशियल लेंगे तो ये बनेगा आपके पास डी वी विच इज इक्वल टू डिफरेंशियल ऑफ 4/3 πr³ बन जाएगा। तो ये बनेगा जी आपके पास बी वी विच इज इक्वल टू, अब डिफरेंशियल लेंगे तो ये आर की पावर थ्री, ये भी कॉन्स्टेंट है, 4/3 भी कॉन्स्टेंट है, पाई भी कॉन्स्टेंट है, तो इसको तो आप लोग ऑलरेडी बाहर लिख लें। पहले डिफरेंशियल लेते हैं आर क्यूब का, तो यहाँ पे पावर रूल लगेगा। अब पावर रूल के अंदर थ्री पीछे आ जाएगा, थ्री जब पीछे आएगा तो आर का स्केयर रह जाएगा, दोबारा से आर का डिफरेंशियल हमारे पास होगा डी आर। तो ये हमारे पास फाइनल इसका क्या बनने जा रहा है, ये वाला थ्री इस थ्री से हो जाएगा कैंसिल, ये बनेगा 4πr² डी आर। अब क्योंकि उसने मेरे क्वेश्चन में बोला हुआ है कि आर नॉट में आपने इसको लेके चलना है, तो ये आर की जगह पे यहाँ पे आर नॉट आप लोग लिखेंगे। तो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 35, बहुत ही शॉर्ट है। ठीक है जी, नेक्स्ट हम लोग इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं, उसके अंदर भी उसने आपको जो है ना वो छोटा सा फार्मूला इस तरह से दिया हुआ है। तो देखते हैं जी उसने हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 36 में कहता है जी v इज इक्वल टू x³, वॉल्यूम उसने दिया हुआ है ऑफ अ क्यूब, एक क्यूब का उसने वॉल्यूम दिया हुआ है, व्हेन द एज लेंथ चेंज फ्रॉम x0 टू x0 + dx, यानी कि x के रिस्पेक्ट से हम इसमें चेंज फाइंड आउट कर रहे हैं। तो v इज इक्वल टू x³ उसने आपको दिया हुआ है, देख लेते हैं जी v इज इक्वल टू x³ उसने वॉल्यूम दिया हुआ है, तो चेंज फाइंड आउट करेंगे, इसका डिफरेंशियल लेंगे तो ये बनेगा जी आपके पास डी वी विच इज इक्वल टू, यहां पे लगेगा पावर रूल तो 3 आ जाएगा पीछे, 3x² और x का डिफरेंशियल होगा आपके पास डी एक्स। ओके हो गया जी, अब x को बेसिकली हमने एक्स नॉट में लेना है, तो डी वी विच इज इक्वल टू 3x0² dx। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 36। नेक्स्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। क्वेश्चन नंबर 36 में बेसिकली उसने हमें सरफेस एरिया का क्यूब दिया हुआ है, s इज इक्वल टू 6x² ठीक है जी। अब ये उसने आपको सरफेस एरिया दिया, उसमें चेंज फाइंड आउट करें x की रिस्पेक्ट से, यानी कि x को आपने x0 + dr में चेंज करना है। तो उसमें चेंज कैसे करेंगे, इसका डिफरेंशियल लेंगे तो ये बनेगा आपके पास ds व्हिच इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशियल लेते हैं तो ये 2 6 के साथ होगा मल्टीप्लाई, ये बनेगा 12, और यहाँ पे आपके पास बचेगा जी x की पावर में माइनस करेंगे तो वो x का x ही बच जाएगा, तो वो आपके पास साथ है dx आ जाएगा जी, x का दोबारा से लेंगे वो dx बनेंगे, तो ये ds व्हिच इज इक्वल टू 12, इसको बेसिकली हमने एक्स नॉट में लेना, एक्स नॉट dx, दिस इज द फाइनल आंसर, यहाँ पे भी एक्स नॉट लिख सकते हैं आप लोग। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 37, कंप्लीट सॉल्व हो चुका है।
नेक्स्ट इसी तरह हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 38 की, उसमें देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 38 में एक पॉइंट आपने जो है वो समझ रहे हैं, कहता है चेंज इन द लेटरल सरफेस एरिया एस इज इक्वल टू पाई आर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। मैंने यहाँ पे फार्मूला लिख दिया क्वेश्चन नंबर 38 का, ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन व्हेन द रेडियस चेंजेस फ्रॉम आर नॉट टू आर नॉट प्लस डी आर एंड द हाइट डज नॉट चेंज। कहता है रेडियस में चेंज आ रहा है, हाइट में चेंज नहीं आ रहा, तो ये पॉइंट आपने समझना है कि जब रेडियस में चेंज आ रहा तो हम लोग जब इसका डिफरेंशियल अप्लाई करेंगे तो आर में चेंज हम लोग लिखेंगे, आर का डेरिवेटिव लेंगे, एच को हम नहीं छेड़ेंगे, एच को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तो उसने में यहाँ पे बोला हुआ है कि एंड दी हाइट डजंट चेंज, हाइट चेंज नहीं हो रही, इसमें चेंज नहीं आ रहा, तो फिर हम उसको क्यों छेड़ें, क्यों उसको तंग करें। तो देखते हैं जी हम लोग क्या करेंगे, आर में चेंज देखेंगे लेकिन इसमें चेंज नहीं देखेंगे, ठीक है जी। चलिए देखते हैं जी, बात करते हैं। कहते हैं जी सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, एस विच इज इक्वल टू, इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हैं पाई आर, इसको लिख रहे हैं आर स्केयर प्लस एच स्केयर होल की पावर 1/2, स्केयर रूट को मैंने यहाँ पे कर दिया खत्म। अब यहाँ पे गौर से देखें तो आपको समझ आएगी ये पाई है, ये आर है और ये भी आपके पास, अब आर में तो आपने चेंज फाइंड आउट करना है, इसका मतलब ये आर और ये वाला जो आपका फंक्शन है दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट रूल यहाँ पे लगने जा रहा है। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, क्वेश्चन रूल क्या होता है, चेन रूल क्या होता है, उसके बाद पावर रूल क्या होता है, ये सारे के सारे रूल्स, एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है, मैंने अपलोड किया लास्ट में देखे जाके डेरिवेटिव्स के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, उसका लिंक मिलेगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में, मे भी आपको स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा, यहाँ आई बटन पर भी देखें उस लेक्चर को देखें। तो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली लगने जा रहा है प्रोडक्ट रूल, तो प्रोडक्ट रूल के अंदर देखें सबसे पहले बात करें ये पाई तो हमारे पास है कॉन्स्टेंट, तो पाई को हम जरा वैसे का वैसे लिखेंगे, बाकी जिस पे हमारे पास डेरिवेटिव अप्लाई हो तो उस पे हम अप्लाई करेंगे, एच पे हम लोग अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि उसने हमें बोला हो कि एच में आपने चेंज फाइंड नहीं करना, एच आपके पास कांस्टेंट है, ठीक है जी। तो यहां पे देखें जी इसका डेरिवेटिव तो बनेगा जी आपके पास डी एस विच इज इक्वल टू, अब सबसे पहले हमारे पास ये आर है और ये वाला हमारे पास ये टू दो फंक्शन है, तो सबसे पहले तो आपके पास ये वाला फंक्शन वैसे का वैसे आ जाएगा, फिर आप लोग डेरिवेटिव डिफरेंशियल लेते हैं आप लोग इसका डी आर की स्पेक्ट्रम डेरिवेटिव, उसने बोला हुआ है कि आर की स्पेक्ट्रम लेना है, तो डी आर इंटू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की पावर 1/2, यानी कि फर्स्ट टर्म हमने वैसे के वैसे लिख ली और सेकंड टर्म का हम लिखा डेरिवेटिव प्लस अब सेकंड टर्म आप लोग वैसे का वैसे लिखेंगे, ये हमारे पास होता है प्रोडक्ट रूल, और डिफरेंशियल लेंगे आप लोग फर्स्ट टर्म का डी आर इंटू पाई आर, ठीक है जी। ये हमारे पास सारा का सारा होगा प्रोडक्ट रूल, तो ये बनेगा जी आपके पास डी एस विच इज इक्वल टू, अब ये पाई आर आप लोग लिखेंगे वैसे का वैसे ही, यहाँ पे लगेगा पावर रूल तो 1/2 पीछे आ जाएगा, 1/2 पीछे आएगा तो ये बनेगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की पावर में, एक माइनस करेंगे तो बनेगा जी -1/2, दोबारा से आप लोग डिफरेंशियल लेंगे आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का तो ये बनेगा 2r, और r का दोबारा से बनेगा डी आर प्लस एच स्क्वायर, ये तो हमें कॉन्स्टेंट है, इसका कॉन्स्टेंट का जीरो हो जाएगा, ठीक है जी। अब नेक्स्ट हम लोग नीचे आ जाते हैं, नीचे आपके पास यहाँ पे क्या आएगा जी प्लस इंटू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की पावर 1/2, इसका ये पाई आपके पास कॉन्स्टेंट पाई बाहर आ गया, तो आर का आप लोग लेंगे डिफरेंशियल ऑफ आर लेंगे यहाँ पे, तो बनेगा जी आपके पास डी आर, यहाँ पे डिफरेंशियल हमने लेना डी आर, यहाँ पे नहीं लिखना, यहाँ पे डी इंटू ये लिखना आपने, ठीक है, डिफरेंशियल ले रहे हैं हम लोग, तो ये चीज हमारे पास बन चुकी है। अब आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखें जी ये वाला टू हम जानते हैं कि इस टू के साथ कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दिया हमने, उसके बाद यहाँ पे भी आर मौजूद है, यहाँ पे भी आर मौजूद है, तो ये आर स्क्वायर बन सकता है। अब यहाँ देखें यहाँ पे आपके पास पाई भी आएगा क्योंकि यहाँ पे ये पाई कॉन्स्टेंट, तो पाई तो लिखा हम लोगों ने बाहर, तो ये अंदर बच गया आपके पास डी आर। अब नेक्स्ट देखें जी हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा, डी एस विच इज इक्वल टू, यहाँ पे ये टू टू तो कैंसिल हो चुका था, ये पाई आर स्क्वायर यहाँ पे बच चुका आपके पास, तो लिखे यहाँ पे जी पाई आर स्क्वायर, और ये वाला इसके ऊपर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के ऊपर बेसिकली -1/2 है, जब नीचे जाएगा तो इसका स्क्वायर रूट यहाँ पे बन जाएगा, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट लिख लें स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बन जाएगा, और साथ है जी आपके पास यहाँ पे डी आर, तो डी आर लिखे उसके बाद प्लस लिखे, अब इसके ऊपर 1/2 है, साथ पाई भी मौजूद है, तो पाई इंटू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर स्क्वायर रूट बन जाएगा, और साथ है जी आपके पास डी आर, इसको डी आर यहाँ पे लिख लें। इलेक्शन का बड़ा जोरों शोर है और हमारे इधर मोहल्ले में छोटी सी ग्राउंड है, तो वहां पे डेली जो ना वो जलसा अभी भी वहां पे जलसा हो रहा है, तो खैर इसको आप लोग इग्नोर कीजिए, थोड़ा सा आपको शोर में भी आ रहा होगा, इग्नोर कीजिए, यहाँ पे आप लोग इसको इस पे फोकस करें और अपने फ्यूचर पे फोकस करें। डी एस विच इज इक्वल टू, यहाँ पे आप लोग इसको एलसीएम ले सकते हैं, यहाँ पे एलसीएम लेंगे ना तो इसको आप सिंपलीफाई कर सकते हैं, एलसीएम लेता हूँ डी एस विच इज इक्वल टू, ये देखें जी आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इसका यहाँ पे स्क्वायर रूट लिखा हुआ है, ये इसे कैंसिल होगा तो ऊपर बचेगा जी आपके पास पाई आर स्क्वायर डी आर प्लस,
अब ये वाला जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये स्केयर उसके उससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये पाई बचेगा, पाई इंटू ये आर स्केयर प्लस एक्स स्केयर बच जाएगा, और आप साथ है जी आपके पास डी आर। अब इस पाई को आप लोग अगर अंदर मल्टीप्लाई करवाना चाहते हैं वो भी करवा सकते हैं, तो देखते हैं जी हमारे पास यहाँ पे क्या बनता है। पाई आर स्केयर डी आर डी एस विच इज इक्वल टू पाई आर स्केयर डी आर पाई आर स्केयर डी आर प्लस पाई आर स्केयर डी आर, ये भी आपके पास है जी पाई आर स्केयर डी आर, उसके बाद पाई एच स्केयर डी आर, उसके बाद जी पाई एच स्केयर डी आर, और डिनोमिनेटर में जी आपके पास स्केयर रूट ऑफ आर स्केयर प्लस एच स्केयर आर स्केयर प्लस एच स्केयर डी एस विच इज इक्वल टू। अब यहाँ पे देखें जी पाई आर स्केयर जो भी दोनों दो है आपके पास, यहाँ पे लिखे आप लोग टू पाई आर स्केयर प्लस पाई एच स्केयर और डी आर को ले लें कॉमन, तो डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा जी स्केयर रूट ऑफ आर स्केयर प्लस एच स्केयर, तो चेक कर लेते हैं आई थिंक यही इसका फाइनल आंसर है। तो पाई भी उसने वैसे इनमें से जाना वो पाई क्योंकि तीनों में मौजूद है, पाई भी उसने कॉमन लिया हुआ है तो कॉमन ले सकते हैं आप लोग उसमें, नो डाउट पाई भी कॉमन ले जाते ले सकते हैं। अब इसको आर को बेसिकली हम आर नॉट में यहाँ पे लेना है, ठीक है जी, क्योंकि हम उसने क्वेश्चन में बोला हुआ कि आर नॉट में चेंज करना है, डी आर में चेंज करना है, तो एच क्योंकि कॉन्स्टेंट एच में हमने एच को हमने नहीं छेड़ा उसमें चेंज नहीं किया, तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ चुका है। इसको ऐसे भी लिखना चाहते लिख सकते हैं, पाई को भी कॉमन ले लें बाहर, तो ये बनेगा टू आर नॉट स्केयर प्लस एच स्केयर ओवर आर नॉट स्केयर प्लस एच स्केयर का स्केयर रूट, साथ ही आपके पास डी आर एच इज कॉन्सेंट। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 38 भी कम्प्लीट सॉल्व हो चुका है, सिंपल है ये भी, थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन था बस। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 39 की। क्वेश्चन 39 में कहता है जी वॉल्यूम उसने दिया हुआ राइट सर्कल सिलेंडर का v = पाई आर स्क्वायर h, कहता है जी इसको चेंज करें रेडियस में चेंज करें आप लोग, तो कैसे हम लोग करेंगे, बनेगा जी आपके पास डिफरेंशियल ऑफ v = अब हाइट का तो h को आपने कांस्टेंट ही लेना है, इसको r r में आपने चेंज करना है, तो चेंज करेंगे तो ये बनेगा जी 2 पाई r और h वैसे के वैसे आएगा साथ r का, जब डिफरेंशियल लेंगे तो बनेगा जी आपके पास dr, तो ये बनेगा आपके पास d v = 2 पाई r को हमने चेंज करना r नॉट में 2 पाई r नॉट h dr। दिस इज द फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 39। नेक्स्ट है हमारे पास आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 40। नेक्स्ट है हमारे पास आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन नंबर 40 में कहता है उसने आपको सरफेस एरिया दिया हुआ s = 2 पाई r h, अब कहता है कि h में आपने चेंज फाइंड करना, आपने रेडियस को नहीं छेड़ना, रेडियस वैसे का वैसे रहेगा कांस्टेंट है, h हाइट में आपने चेंज फाइंड आउट करना है, तो डिफरेंशियल लेंगे तो हमारे पास यहां पे क्या बनने जा रहा है ds = ये कांस्टेंट है 2 पाई r, तो कांस्टेंट 2 पाई r वैसे का वैसे लिखेंगे और डिफरेंशियल ऑफ h लेंगे आप लोग dh, डिफरेंशियल ऑफ h लेंगे तो ये बनेगा जी ds = 2 पाई r dh, क्योंकि h का डिफरेंशियल dh होता है। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 40, बहुत ही शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन थे, सिंपल थे, इजी थे क्वेश्चन, 38 थोड़ा लेंथी था, इस समय दोबारा से देखें, चैनल को सब्सक्राइब किए अगर मत जाया करें, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ में क्लास में क्लास में शेयर किया करें, इस तरह की इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं हमेशा आपके लिए लेकर आता रहूंगा, इसलिए अपना भी ख्याल रखा करें, इस चैनल का भी ख्याल रखा करें। अगर आपको क्यूरी होती है आप लोग हैंडरिटन नोट्स बाय करना चाहते हैं आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, उसका लिंक मिलेगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।